लेकिन सभी दैत्य असुर नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल हिरण्यकशिपु के बेटे थे प्रहलाद, तो वो धर्म के साथ खड़े थे, तो इसके लिए हम उनको असुर नहीं कह सकते, प्रहलाद जी को दैत्य कह सकते हैं। प्रभु श्री राम वो डार्क ब्लू स्किन है, वायु पुराण में उसका उल्लेख आता है। महाभारत में भी अगर हम देखें तो व्यास मुनि भी विष्णु जी के अवतार थे, मतलब व्यास जी के पिताजी पराशर ऋषि बहुत बड़े भक्त थे विष्णु जी के। और चीन का भी स्पष्ट उल्लेख आता है, वो कौरव के साथ लड़े थे, लेकिन चीन का हालत ये था कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उनको एंट्री भी नहीं दिया था अंदर। बालिक नाम का राज्य था जो शांतनु के बड़े भाई थे, उन्होंने बालिक का राज्य संभाला था। बालिक यानी बल्क, आज भी है बल्क अफगानिस्तान में। दुर्योधन को एक कलिंग की राजकन्या पसंद आ गई थी, भानुमती नाम था उसका। स्वयंवर में क्या होता था कि जो राजकन्या है वो स्वयं चुनती थी वर को, तो वो दुर्योधन को पसंद नहीं करती, आगे चली जाती है। लेकिन दुर्योधन को खुश करने के लिए कर्ण ने भानुमती को अगवा कर लिया था। कर्ण ने भी चारों भाइयों की जान बख्शी थी, जैसे हम सब जानते हैं युधिष्ठिर भीम नकुल और सहदेव को मार सकते थे कर्ण, लेकिन मारा नहीं था। लेकिन ये वन साइडेड नहीं था, भीम ने 6 बार युद्ध भूमि में हराया कर्ण को। भीम मारते क्यों नहीं है कर्ण को, क्योंकि अर्जुन ने वचन लिया था कर्ण का अंत करने का। प्री रिक्वायरमेंट ये था कि उन्होंने दिव्य चक्षु दिए थे अर्जुन को, दिव्य चक्षु जब दिए अर्जुन को तब वो देख पाए, उनके कई सारे मुख थे, कई सारे हाथ थे, और उनके अंदर कई सारे भगवान दिख रहे थे, मतलब शिव जी भी दिख रहे थे, विष्णु जी भी दिख रहे, माता जी भी दिख रहे, ब्रह्मा जी भी दिख रहे, विदाउट सीइंग कृष्ण भगवान इन द पिक्चर। तो पांडव और कौरव में सच में कौरव का पलड़ा भारी था। द्रुपद जो द्रौपदी के पिता थे वो भी थोड़े नाराज हो जाते हैं, तो तब व्यास मुनि आके उनको समझाते हैं कि पिछले जन्म में ये जो कन्या है वो एक ऋषि की बेटी थी और उन्होंने शिवजी की बहुत तपस्या की थी एक पति को प्राप्त करने के लिए। तो जब शिवजी आते हैं तब उन्होंने बहुत सारी कला जो बोलते हैं क्वालिटीज का उल्लेख किया था कि अपने पति में क्या क्या होना चाहिए, और उन्होंने वो उल्लेख 5 बार किया था, इसलिए शिवजी ने उनको वरदान दिया था, ठीक है आपको 5 पति मिलेंगे। तो घटोत्कच ने भी कर्ण को हरा दिया था, इसीलिए शक्ति अस्त्र का प्रयोग कर्ण ने घटोत्कच पे कर दिया। कुरुक्षेत्र से उड़के घटोत्कच का सर चंपावत नाम का एक शहर है छोटा सा उत्तराखंड में, वहां जाके गिरा, जो कुरुक्षेत्र से 400-425 किलोमीटर दूर है। भीम ने गदा युद्ध में दुर्योधन की जांग पे जो गदा लगाई थी, महाभारत में स्पष्ट है कि अर्जुन अपनी जांग को दिखाता है कि भीम को युद्ध के दौरान के उधर मार के दुर्योधन का अंत करना है, तो इसके 2 कारण है। तो आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है, उम्मीद है आप सबके दिन अच्छा रहा होगा। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं गौरंग दामनी सर, सर आपका स्वागत है द पॉडकास्टर शो में, और आई थिंक आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हम फिर से एक बार रिकॉर्ड कर रहे हैं सर के साथ। और सर की इस बार एक नई बुक आ रही है विच इज़ बेस्ड ऑन महाभारत, तो मैं सर से चाहता हूँ, सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें अपनी बुक के बारे में थोड़ा सा बताएं कि व्हाट दिस बुक इज ऑल अबाउट। महाभारत के ऊपर कई किताब लिखी गई है, तो मेरे जो नई किताब है उसका नाम है, टाइटल है महाभारत अ वर्ल्ड वॉर। क्योंकि मैं जब महाभारत पढ़ रहा था तो मेरे ध्यान में आया कि उसमें कई सारे स्थान दिए गए, लोकेशंस दिए गए, और उसको मैं मैप करता गया, मतलब समझो वनवास में है तो कहाँ से कहाँ गए और फिर किस राजा से मिले, तो उसको सब मैं प्रेजेंट डे लोकेशंस पे मैप करता गया, तो मुझे लगभग 400 लोकेशंस मिले जो महाभारत व्यास जी ने उल्लेख किया है, और आज भी वहाँ पे जाके हम देख सकते हैं, और वहाँ के स्थानिक लोग भी बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे महाभारत की अमुक घटना हुई थी। तो ये एक सबसे बड़ा मतलब प्लस पॉइंट या यूएसपी है किताब का। और दूसरा कि अन्य ग्रंथों में भी महाभारत का उल्लेख है, जैसे कि स्कंद पुराण है तो उसमें भी काफ़ी भूगोलिक रेफरेंसेस आते हैं, तो उसका भी समावेश किया है। कालिका पुराण है, वैसे मैंने महाभारत के मेन जो ग्रंथ है उसके साथ घटनाओं का समावेश किया है। If I talk about महाभारत, it has many interpretations, मतलब बहुत सारे इसके interpretation निकल के आ सकते हैं और बहुत सारे सवाल निकल के आ सकते हैं based on perspective, अलग अलग perspective के हिसाब से। तो अगर मुझे आपके perspective से जानना हो कि how do you perceive महाभारत, तो आप किस तरीके से देखते हैं महाभारत को? तो जो मतलब शायद वो क्लिशे कह सकते हैं, लेकिन जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वही उसका मेरा interpretation है। उसका इंटरप्रिटेशन यही कि धर्म हमेशा जीतता है, धर्म की विजय होती है, अधर्म का विनाश होता है, और यही एक मेन कोर कहानी है। इसमें कई सारे किरदार है लेकिन धर्म एक उसका मूलभूत आधार है पूरे शास्त्र का। और महाभारत में और मार्कंडे पुराण में भी कहा गया है कि अगर हम महाभारत पढ़ते हैं तो वो एक मोक्ष शास्त्र भी है। तो सिर्फ धर्म अर्थ और काम नहीं बल्कि पुरुषार्थ का जो चौथा अंग है मोक्ष, उसके बारे में भी महाभारत का विस्तृत उल्लेख आता है। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि महाभारत की युद्ध में बहुत सारे मतलब वेपन्स का इस्तेमाल किया गया और यू कैन से अस्त्रों का इस्तेमाल किया गया, तो कई सारे ऐसे अस्त्र होंगे
जिनके बारे में हमें पता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें थोड़ा सा ना बेसिक हमें बता दें, ताकि उसके बाद में आगे आपसे जो मेन सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ वो आपसे पूछ सकूं। हाँ, तो कई सारे दिव्य अस्त्रों का उपयोग किया गया था महाभारत के युद्ध में। हमने शायद सभी ने ब्रह्मास्त्र तो सुना ही होगा, तो उसके अलावा भी कई सारे अस्त्रों का उपयोग किया था जो देवों से जुड़े हुए हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल इंद्र अस्त्र है जो इंद्रदेव से जुड़ा हुआ है, वरुण अस्त्र है, फिर कुबेर जी का अस्त्र है, वरुण अंतर्धान अस्त्र है, मायावी अस्त्र है, फिर सूर्य अस्त्र है, आदित्य अस्त्र है, वैसे कई सारे दूसरे देवों से जुड़े हुए भी अस्त्र है जिनका उपयोग हुआ था महाभारत के युद्ध में। तो अभी समझो किसी योद्धा ने अग्नि अस्त्र का उपयोग किया, तो उसके सामने अग्नि यानी आग, तो उसके सामने जो सामने का योद्धा है वो बारिश का उपयोग करता है, बारिश लाने का प्रयास करता है, इसके लिए वो उसका वो तोड़ है, वरुण अस्त्र उसका तोड़ है। वैसे सामने कई अस्त्र न्यूट्रलाइज होते थे। तो एक सवाल जो अभी मेरे दिमाग में आया कि जैसे एक समुद्र मंथन के दौरान अगर बेसिक अगर हम देखें, बिल्कुल बेसिक पे जाते हैं हम, कि वो एक अमृत के लिए कहीं ना कहीं हला कह सकते हो, उसके लिए एक लड़ाई थी और उसमें देवता और असुर उनके बीच में था। तो हमें अक्सर लगता है कि देवता क्या होते कि हम उनको रिलेट करते हैं बेसिकली डिवाइन चीज़ों से, और असुरों को जब भी हम दिमाग में सोचते हैं कि हमारे अंदर एक डार्क एक राक्षस वाली पिक्चर आती है, मतलब नॉर्मली अगर किसी इंसान से। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें देवता और असुरों के बारे में थोड़ा बताएं कि देवता कौन थे और असुर कौन थे। बिल्कुल, तो कश्यप ऋषि का नाम सबने सुना है। तो कश्यप ऋषि की अलग अलग कई पत्नियाँ थी, तो उनकी जो एक पत्नी थी अदिति, तो उनके उनके जो बच्चे हुए अदिति के साथ वो आदित्य या देव कहलाए गए। 33 देव जो हम कहते हैं उसमें से 12 आदित्य थे, बाकी 8 वसु थे, 11 रुद्र अवतार थे, रुद्र देव थे, और 2 अश्विनी कुमार थे। ऐसे बाकी भी देव है जैसे विश्वदेव है, मरुत है, जिन्होंने जो धर्म को आधार देते उसका समर्थन करते हैं। और देवों का दूसरा नाम सुर भी है, और उनके सामने अधर्म के साथ जो जुड़े हुए उनको हम असुर कहते हैं। तो असुर मतलब कश्यप ऋषि की दूसरी जो पत्नी थी दिति, उनके जो बेटे हुए उनकी जो संतानें हुई उनको दैत्य कहते हैं। लेकिन सभी दैत्य असुर नहीं थे, मतलब फॉर एग्जांपल हिरण्यकशिपु के बेटे थे प्रहलाद, तो वो धर्म के साथ खड़े थे, बहुत बड़े भगवान के भक्त थे विष्णु जी के, तो इसके लिए हम उनको असुर नहीं कह सकते, प्रहलाद जी को दैत्य कह सकते हैं क्योंकि दिति के बेटे थे। वैसे ही दानव भी कई थे, तो दानु नाम की जो पत्नी थी कश्यप ऋषि के, उनकी जो संतानें हुई उनको दानव कहते हैं। तो उसमें भी कोई कुछ अच्छे दानव भी थे, जैसे मय नाम का एक दानव था, वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, उसने कई सारे विमान भी बनाए थे, युधिष्ठिर का वो उन्होंने माया सभा भी बनाया था इंद्रप्रस्थ में। तो इसीलिए जो कर्म है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कौन से कुल में या कौन से परिवार में जन्म लेते हो वो पिछले जन्मों का कर्म का आधार है, उसके कारण आप लेते हो, लेकिन आपके इस जन्म के कर्म से तय होता है कि आप देवों का काम कर रहे हो यानी सुरों का काम कर रहे हो या असुरों का काम कर रहे हो। और आपने जो डार्क फोर्सेस का, वो एकदम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, उसका दुरुपयोग किया गया है भारतीय कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हम अपने जो कई भगवान है वो मतलब डार्क स्किन है, जैसे प्रभु श्री राम वो डार्क ब्लू स्किन है, वायु पुराण में उसका उल्लेख आता है। कृष्ण भगवान हम सब जानते हैं, वो उनकी उनका जो उनकी त्वचा थी वो काली थी, शनिदेव काले थे, सरस्वती माता को भी संध्या कहते हैं, उनका भी उनकी भी त्वचा काली थी, और काली माता को भी हमने देखा है, वो भी उनका भी त्वचा काले रंग का था। तो इसलिए वो वाइट एंड ब्लैक का जो है वो रेसिज्म का कॉन्सेप्ट वो वेस्टर्न कंट्रीज का है, हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो मूलभूत आधार है वो कर्म है। ओके, तो फ्यू डेज बैक आई वॉज रीड एन आर्टिकल, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन आई थिंक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कि हम ह्यूमन बींग्स किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं। तो आल्सो इन अवर हिंदू हिस्ट्री अगर मैं बात करूँ, वाई आई एम यूजिंग द वर्ड हिस्ट्री, क्योंकि पिछले आई थिंक जब हम पॉडकास्ट कर रहे थे यू टोल्ड मी कि ये हमारी हिस्ट्री है माइथोलॉजी नहीं है, और इसका बहुत गलत इस्तेमाल किया गया, मतलब हम तो मैं इसलिए दिस इज़ वाई आई एम यूजिंग हिंदू हिस्ट्री। तो हमारे हिस्ट्री में एक कंसेप्ट है दश अवतार का, हमारा जो पहला अवतार थे वो जो मत्स्य विच सिम्बोलाइजेज फिश, देन कुर्मा विच इज़ टर्टोइस, एंड थर्ड अवतार वरा अवतार विच इज़ बोर। तो इस तरीके से एंड द लिस्ट गोज ऑन ऑन। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है हाउ इट कनेक्ट्स
विद द थ्योरी ऑफ दश अवतार, मतलब दोनों को अगर हम डॉट्स कनेक्ट करने हैं तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? पहले तो दस अवतार जो है वो बिल्कुल सत्य है, विष्णु जी के दस अवतार तो थे ही, लेकिन सिर्फ दस नहीं थे, भागवत पुराण में 24 अवतारों का उल्लेख है। तो मत्स्य अवतार जो थे वो हम अभी सातवें मन्वंतारा में है, मतलब सातवें साइकिल में है, तो उसके पहले 6 और साइकिल हो चुकी है, तो उसके पहले भी जितने मन्वंतारा हुए उसमें अलग अलग जो अवतार हुए उसका उल्लेख आता है। और अभी महाभारत में भी अगर हम देखें तो व्यास मुनि भी विष्णु जी के अवतार थे, मतलब व्यास जी के पिताजी पराशर ऋषि बहुत बड़े भक्त थे विष्णु जी के, और उनकी तपस्या से खुश होकर विष्णु जी ने वरदान दिया था कि मैं अवतार या आपके घर पे मतलब बेटा बन के जन्म लूंगा। तो वैसे कई सारे अवतार थे, मतलब पहले मन्वंतारा में अगर आप देखें तो एक करदम नाम के एक ऋषि थे, उनके उन्होंने भी बहुत अच्छी तपस्या की थी, विष्णु जी प्रसन्न हुए थे, और देवहूति नाम की उनकी पत्नी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया था, तो वो जो जन्म लिया था उनका नाम था कपिल, वो बड़े होके बाद में बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि हुए। और जो सांख्य नाम की जो एक फिलॉसफी है, सिर्फ दो ही मार्ग है मोक्ष के हिंदू शास्त्र के हिसाब से, सांख्य और योग, योग यानी कर्मयोग। तो उसमें जो सांख्य योग है उसका जो पहला प्रवचन टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज वो कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को दिया था, तो वैसे एक हुए। फिर राजाओं में भी कई विष्णु अवतार हुए, जैसे एक पृथु नाम के एक राजा थे, तो पृथु नाम के राजा ने पहले, मतलब अगेन प्री हिस्टोरिक एंशियंट टाइम्स, करोड़ों साल पहले, तो जब धरती पे कुछ अनाज उत्पन्न करना मुश्किल था, खेती मुश्किल था, तो उन्होंने धरती माता से आज्ञा लेके पूरे धरती को खेती करने लायक बनाया, इसीलिए आज हम भूमि देवी को, हम भूमि को पृथ्वी भी कहते हैं, वो पृथु राजा के नाम से है। और पृथु राजा का आज तक एक कनेक्शन ये है कि कुरुक्षेत्र में उसके पास एक पेहोवा नाम की एक जगह है, जहाँ पे पृथुडक नाम की एक जगह है, जहाँ पे पृथु राजा ने अपने पितरों का श्राद्ध किया था, तो आज भी वहाँ पे लोग जाके पिंडदान देते हैं, तो ये पृथु राजा हुए। फिर ऋषभ देव भी थे, ऋषभ राजा भी बहुत ही एक बड़े राजा हुए, उनके पुत्र भरत, जिनके नाम से हमारा देश भारत जाना जाता है, तो ऋषभ जी भी बहुत मतलब एक बहुत ही पराक्रमी राजा थे और विष्णु जी के अवतार थे। वैसे नर और नारायण हमने सुना है, वो भी विष्णु जी के अवतार थे। फिर कुछ टाइम पे वेदों का जब असुरों ने कैप्चर कर लिया था, तब विष्णु जी ने हयग्रीव नाम का एक अवतार का धारण किया था, हय यानी घोड़ा, हॉर्स, तो हय अवतार भी एक है, जो मतलब अगर उसका कनेक्शन हम रामायण में देखेंगे तो पंचमुखी हनुमान, जो पांच मुख के हनुमान जी है उसमें से एक उनका जो मुख है वो हय अवतार का है, तो वो भी एक स्वरूप था। तो वैसे कई, और आपने समुद्र मंथन की बात की, तो समुद्र मंथन में भी दो अवतार थे, एक जो अमृत लेके प्रकट हुए थे वो धन्वंतरी थे, धन्वंतरी है, और धन्वंतरी मतलब बाद में काशी के राजा भी हुए और आयुर्वेद का उन्होंने प्रचार भी किया पूरे विश्व में। सुश्रुत जो हम जानते हैं, सुश्रुत संहिता, वो भी धन्वंतरी जी के शिष्य थे, तो ये भी एक विष्णु अवतार है। और मोहिनी अवतार तो हम सब जानते हैं, क्योंकि जब अमृत निकला तब मोहिनी अवतार ने असुरों को दिशाहीन किया और देवों ने वो अमृत लिया। तो ऐसे कई अवतार हुए विष्णु जी के, और धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने कई अवतार लिए, तो इसलिए 10 अवतार तो है, लेकिन उसके अलावा और भी कई है। सनत कुमार भी विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जो 4 बालक है जो विष्णु जी के परम भक्त है आज, वो भी उनके अवतार माने जाते हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूं, इज देयर एनी रेफरेंस ऑफ त्रिशूल, अगर हम त्रिशूल की जब भी हम बात करते हैं तो भगवान शिव का जिक्र आता है, तो क्या त्रिशूल का कोई रेफरेंस है महाभारत में? इसका एक रेफरेंस आता है, जब युद्ध समाप्त हो जाता है 18 दिन के बाद, तब युधिष्ठिर कृष्ण भगवान के पैर पड़ते और उनको धन्यवाद देते, तो भीम का थोड़ा अहंकार को ठेस पहुँचती है, तो बोलता है मैंने 100-100 कौरवों को मारा, जिनको एक एक को 1000-1000 हाथी की ताकत थी, तो मेरे कारण युद्ध हम जीते हैं। तो मतलब युधिष्ठिर थोड़े नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हम बर्बरिक को पूछते हैं, या खाटू श्याम जैसे हम सब जानते हैं, क्योंकि उनको वरदान था ना, वो उनका सर कटा था और वो एक छोटी पहाड़ी से पूरा युद्ध देख रहे थे। तो ये इसका उल्लेख स्कंद पुराण में आता है और महाभारत में भी उल्लेख आता है, तो दोनों को मैं जोड़ के बता रहा हूँ। तो उसका उल्लेख ऐसा है कि वो बर्बरिक को पूछते हैं कि क्या देखा आपने, तो उसने देखा कि जब भी कोई महारथी यानी भीम हो या अर्जुन हो या कोई भी युद्ध भूमि पे किसी सामने वाले योद्धा को मार रहा था,
तो उसके पहले मैंने दो जन को देखा, मतलब वो वर्णन जो है वो शिव जी का और विष्णु जी का है कि वो पहले ही जाके वो जो दुश्मन है उसका अंत करते थे, और जो शिव जी का स्वरूप था उसके स्वरूप में ऐसा जहाँ तक मुझे याद है ऐसा बताया गया कि उनके हाथ में त्रिशूल था, और विष्णु जी के ऑफकोर्स हमको पता है कि उनके हाथ में सुदर्शन चक्र या कमल ऐसे अलग अलग वस्तुएं थी। तो त्रिशूल का उल्लेख है वो तब आता है जहाँ तक मुझे याद है। ओके, तो अगर मैं बात करूँ तो महाभारत में एक सवाल अक्सर पूछा जाता है विच इज रिलेटेड टू कि कर्ण वर्सेस अर्जुन कि दोनों में से बेहतर कौन था, बट काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जो कर्ण को पसंद करते हैं जस्ट बिकॉज उसके वॉरियर स्किल्स की अगर बात करें उसके बेसिस पे, या मतलब बट दे डोंट नो कि और काफ़ी सारे लोग ऐसे टीवी शो के बेसिस पे जज करते हैं कर्ण ने उस वक्त जब द्रौपदी हरण हो रहा था तब काफ़ी सारे ऐसे शब्द यूज़ किए। तो मैं चाहता हूँ कि वट इज़ अ रियलिटी कि दोनों में बेहतर कौन है, अगर मैं चाहता हूँ कि दोनों का कंपेयर करें क्योंकि महाभारत के डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं लेकिन जो फैक्ट है वो बदली नहीं होते, तो हम फैक्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। फैक्ट सबसे बड़ा ये है कि कर्ण ने जो विद्या ली थी अस्त्रों की परशुराम जी से वो झूठ बोल के ली थी, वो पहला उसका नेगेटिव एक हो गया। फिर दूसरा अगर हम देखें तो शांति पर्व में उल्लेख आता है कि दुर्योधन को एक कलिंग की राजकन्या पसंद आ गई थी, भानुमति नाम था उसका। तो मतलब स्वयंवर में क्या होता था कि जो राजकन्या है वो स्वयं चुनती थी वर को, उसके मर्जी के खिलाफ नहीं होता था, तो वो दुर्योधन को पसंद नहीं करती, आगे चली जाती है। लेकिन दुर्योधन को खुश करने के लिए कर्णन ने भानुमति को अगवा कर लिया था दुर्योधन के लिए, उसको पत्नी बनाने के लिए। तो ये शास्त्र में एकदम ही मतलब ये सख्त मना है कि कोई भी स्त्री का अपहरण करके उसके इच्छा के खिलाफ उससे शादी नहीं करनी चाहिए। तो ये उसका दूसरा नेगेटिव हो गया। तीसरा वो मतलब गलत व्यक्ति के साथ था, तो लाक्षाग्रह का जो हादसा हुआ उसमें भी वो प्लानिंग में उसने दुर्योधन का साथ दिया, क्योंकि लाक्षाग्रह में तो मतलब 5 भाई और कुंती माता को जलाने की बात है, तो वो मतलब खून ही हो गया, तो वो मतलब वो भी अधर्म ही है, तो अधर्म का साथ दिया। और उसके बाद भी कई अन्य ऐसे घटनाओं में कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, ये हम सब जानते हैं। इसलिए योद्धा तो थे, लेकिन जब वनवास में द्वैत वन में वो गंधर्वों से हार गए कर्ण, और उनको वहाँ से भागना पड़ा, और गंधर्वों ने दुर्योधन और दुशासन को बंदी बना लिया, तो कर्ण को बहुत लज्जा आई और शर्म आई, और तब उसने एक प्रण ले लिया कि मैं मुझसे जो भी कोई मांगेगा मैं दान में दे दूंगा। अभी तो ये 13वां साल अज्ञातवास शुरू नहीं हुआ, और उसने वो ऐसे मतलब वचन ले लिया, क्योंकि उसको मतलब ऐसा लगा कि मैं युद्ध भूमि से भाग गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब दानवीर तो कहते हैं हम, दानवीर तो थे ही बिल्कुल, और दान देने से पुण्य भी मिलता है उसमें कोई शंका नहीं है, तो वो तो है ही। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब सूर्यदेव ने मतलब अपने बेटे को बताया कर्ण को सपने में आके कि इंद्रदेव आके आपका कवच और कुंडल लेने वाले हैं, तो कर्ण क्या कहता है कि ठीक है मतलब दान का मैंने वचन लिया तो मैं वापस नहीं हट सकता हूँ, तो मुझे लेकिन प्रतिष्ठा मिलेगी जो परशुराम जी ने भी उनको वरदान दिया था, जो आज भी कायम है, इसलिए लोग उसको कर्ण जी को याद करते हैं कर्ण को। तो सूर्यदेव कहते हैं कि जान ही नहीं रहेगे तो प्रतिष्ठा का क्या करोगे, तो बोलते हैं कि अगले जन्म में कर्ण बोलते हैं कि अगले जन्म में मेरी प्रतिष्ठा मुझे काम आएगी। तो बाद में सूर्यदेव सुझाव देते हैं कि ठीक है आप सामने एक्सचेंज करना, बिजनेस डील करना, सामने शक्ति अस्त्र ले लेना क्योंकि उसका कोई तोड़ नहीं है। तो कर्ण ने तभी बिजनेस डील किया था अपनी प्रतिष्ठा के लिए, मतलब उसको फेम चाहिए था, उसको फेमस होना था, तो इस कारण ये घटना हुई। और युद्ध के दौरान भी और युद्ध के पहले भी जब राजसूय यज्ञ हुआ था तो भीम पूर्व दिशा में गए थे, तब उन्होंने कर्ण को हराया था, ये घटना हुई। और जैसे मैंने बताया द्वैत वन में कर्ण हार गया था अर्जुन से, गंधर्व से, और त्रिगर्त में अज्ञातवास के आखिरी दिन के बाद जब युद्ध हुआ था तब भी अर्जुन ने कर्ण को हराया था, और युद्ध भूमि में भी अभिमन्यु ने कर्ण को 2 बार हराया था, मतलब वो जब हादसा हुआ पीछे से मार के अभिमन्यु का मारने का। तो कर्ण ने भी चारों भाइयों की जान बख्शी थी, जैसे हम सब जानते हैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को मार सकते थे कर्ण, लेकिन मारा नहीं था, कुंती को वचन दिया था इसलिए। लेकिन ये वन साइडेड नहीं था, वैसे ही भीम ने 6 बार युद्ध भूमि में हराया कर्ण को, 6 बार। अभिमन्यु को मैंने ऑलरेडी उल्लेख किया, 2 बार हराया, लेकिन वो भीम मारते क्यों नहीं है कर्ण को, क्योंकि अर्जुन ने वचन लिया था कर्ण का अंत करने का, तो अर्जुन के वचन को सम्मान देते हुए उन्होंने नहीं मारा। और सात्यकी जो थे
वो यादव कुल के कृष्ण भगवान के परम मित्र और शिष्य, उन्होंने भी कर्ण को हराया था, उन्होंने भी नहीं मारा कर्ण को। तो जैसे कर्ण ने और लोगों को हरा के छोड़ा था, वैसे कर्ण को भी और लोगों ने हरा के छोड़ा है। तो इसलिए बैलेंस थे वो, योद्धा तो थे लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अनबीटेबल है। तो इसीलिए कर्ण के पास कैपेबिलिटीज थी लेकिन वो गलत पाले में था, गलत साइड पे खड़े थे, तो ये फर्क है। और अर्जुन धर्म के साथ खड़े थे, तो ये दोनों में ये फर्क है। इसके लिए ये फैक्ट्स है और उसके ऊपर जिसको जो कंक्लूजन लाना है वो ला सकते हैं। लेट्स से कि अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे जाएं, अगर उस दौरान अगर कवच कुंडल करण के पास होते आखिरी टाइम पे, तो सिचुएशन कैसी होती है? मतलब डू यू थिंक कि महाभारत कुछ अलग तरीके से होती? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसको हराना, उसका मरना असंभव था ना। कवच और कुंडल उसको मरने नहीं देते, लेकिन उसने खुद ने ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी बोल के मुझसे जो मांगेगा दान में मैं दे दूंगा। तो मतलब ये तो युद्ध है, तो इंद्र अपने बेटे अर्जुन का साथ निभाने के लिए वो तो मांगना ही मांगना था, क्योंकि युद्ध में तो सामने वाले के अस्त्र जो है उसको कम करने के लिए कोई भी योद्धा प्रयास करेगा। तो अगर कवच कुंडल होते तो उसकी दिशा बिल्कुल अलग होती, और शक्ति अस्त्र का भी उपयोग अगर वो अर्जुन पे करता तो भी शक्ति अस्त्र का कोई तोड़ नहीं है, अर्जुन के पास भी नहीं था। तो इसीलिए क्या हुआ कि युद्ध भूमि में घटोत्कच जो है भीम के बेटे, उनके साथ घमासान युद्ध हुआ। और इंद्र ने जब शक्ति अस्त्र दिया था तो उन्होंने कहा था कि जब तेरी जान जोखिम में है तभी इसको यूज करना, और एक ही बार उपयोग में आएगा, उसके बाद आप उपयोग नहीं कर सकते हो। तो घटोत्कच ने भी कर्ण को हरा दिया था और उसकी जान जोखिम में थी, और इसीलिए शक्ति अस्त्र का प्रयोग कर्ण ने घटोत्कच पे कर दिया, और कुरुक्षेत्र से उड़ के घटोत्कच का सर उड़ा दिया था। चंपावत नाम का एक शहर है छोटा सा उत्तराखंड में, वहां जाके गिरा जो कुरुक्षेत्र से 400-450 किलोमीटर दूर है, 450 किलोमीटर दूर जाके गिरा। तो आप सोचो कितना शक्तिशाली था ये शक्ति अस्त्र। और धृतराष्ट्र पूछते भी है हस्तिनापुर में, क्योंकि संजय तो पूरा विवरण दे रहे युद्ध में क्या हो रहा है, तो पूछते कि ये मतलब शक्ति अस्त्र उपयोग कैसे कर लिया, ये तो अर्जुन के लिए छोड़ना चाहिए था ना, अर्जुन पे उपयोग करना चाहिए था। तो संजय ये कहते हैं कि हर एक शाम को जब स्ट्रेटेजी मीटिंग जो हम कहते हैं वो होती थी, दुर्योधन दुशासन कर्ण शकुनी, और उसमें तय होता था कि कल सुबह जब युद्ध शुरू होगा मैं शक्ति अस्त्र अर्जुन पे यूज करके युद्ध को समाप्त कर दूंगा। लेकिन दूसरे दिन वो मतलब दिशाहीन हो जाता था, वो और ही किधर उसका मन भटक जाता था और वो दूसरे किधर उलझ जाता था, मतलब डेस्टिनी कहो या जो भी कहो। तो ये भी एक कारण है। जब मैं आज के पॉडकास्ट के लिए थोड़ा सा मैं रिसर्च कर रहा था, देन आई कम टू नो अबाउट कि वेद व्यास जो थे, एक नाम नहीं था, एक पोजीशन थी जो दी जाती है उस टाइम पे, क्या ये सच है? क्योंकि ये हम 28वें चतुर्युग के कलयुग में है, तो हर एक चतुर्युग में एक व्यास जी होते हैं। तो इसके पहले जो है पूरी लंबी यादी है, हर एक युग में एक एक व्यास हुए, और इसलिए हम व्यासपीठ भी कहते हैं, जहाँ एक ब्राह्मण या जहाँ एक मतलब ज्ञानी व्यक्ति बैठ के ज्ञान देता है। तो इसके लिए उसके पहले कई व्यास हुए, लेकिन वेद व्यास हमारे सबसे नज़दीक के समय के हैं, इसलिए हम उनको वंदन करते हैं। अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द्रोणा, ही वाज अ एक्सेप्शनल फाइटर, महाभारत की जंग में वो कमाल के फाइटर थे। तो उनको मारने के लिए कृष्णा ने पांडवों से कहा कि आप उनके झूठ बोलिए कि अश्वत्थामा मर गया, तो द्रोणा को ताकि द्रोणा जो थे वो लड़ना बंद कर दे। तो जब कृष्णा बोलते, बट इन द सेम पैसेज कृष्णा आल्सो सेज कि लाइंग इन सच अ सिचुएशन इज नॉट अ सिन, मतलब इस सिचुएशन में झूठ बोलना कोई पाप नहीं है। और युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप द्रोणा से झूठ बोल दीजिए। बट लेकिन जैसे जंग खत्म होती है, पांडव जो होते हैं उनको सजा दी जाए, पनिश किया जाता है फॉर दिस स्पेसिफिक एक्ट। बट मैं जानना चाहता कि द रियल क्वेश्चन इज कि कृष्णा जो भगवान कृष्ण ने पांडवों को क्यों कहा झूठ बोलने के लिए, और बाद में उनको सजा क्यों मिली, मतलब पांडवों को? तो सबसे पहली बात तो मैंने जो महाभारत पढ़ी है व्यास जी की, केसरी मोहन गांगुली जी का ट्रांसलेशन पढ़ा है और गीता प्रेस का, उसमें तो बहुत ही स्पष्ट है कि कृष्ण भगवान बोलते ही नहीं है युधिष्ठिर को झूठ बोलो। उसमें भीम जाके बोलते हैं, क्योंकि भीम एक बड़े हाथी
की हत्या करते हैं जिसका नाम अश्वत्थामा है, ये सबको पता है। और जब युद्ध शुरू होता है 15वें दिन, तो सुबह सुबह दुर्योधन वापस द्रोणाचार्य को भला बुरा कहते हैं, और बाद में द्रोणाचार्य क्रोध में आके अपने अस्त्र साधारण सैनिकों पर भी उपयोग करना शुरू कर देते हैं, जो युद्ध के नियम के खिलाफ था। ऊपर से आकाशवाणी भी होती है कि अभी आप ये गलत कर रहे हो और छोड़ दो, आपका समय हो गया, फिर भी वो सुनते नहीं है, और उसके बाद भी मेरे ख्याल से 125,000 सैनिकों को मार देते हैं। तो ये जो कहना था वो भीम ने कहा था, और जो जैसे पॉपुलर सबको पता है कि युधिष्ठिर का ये झूठ बोलने के बाद रथ जो हवा में था एकादेंश, वो नीचे ज़मीन पे आ गया था। और जहाँ तक प्रायश्चित की बात है, वो स्कंद पुराण में उसका उल्लेख है कि रामतीर्थ नाम का एक तीर्थ स्थल है रामेश्वरम में, तो वहाँ पे जाके वो हस्तिनापुर से पैदल गए थे रामेश्वरम तक, और रामतीर्थ में उन्होंने शिव जी के शिवलिंग की पूजा की थी, और वहाँ पे पवित्र कुंड है, प्रभु की दया से मैं वो गया हूँ ये अद्भुत स्थान पे, तो बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है, वहाँ पे उन्होंने प्रायश्चित किया था, ऐसा उल्लेख स्कंद पुराण में आता है। और जब वो देवलोक जाते हैं तब भी उनको कुछ समय के लिए युधिष्ठिर को नरक में लेके जाते हैं, और बाद में उनको स्वर्ग लेके जाते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि आपने जो पाप किया था झूठ बोलने का, उसकी आपको थोड़ी तो सजा, कर्म का कर्मफल तो मिलना ही है। तो वो उस हिसाब से ये कहानी है। जैसे कि हिस्ट्री जो होती है, मतलब इतिहास जो होता है, हमेशा फेवर करता है जीतने वाले को। डू यू थिंक इज देयर एनी डार्क साइड ऑफ पांडव, जितने भी पांडव जो उस टाइम जीते थे, क्या उसकी कोई डार्क साइड है, क्या वाला वो पूरी तरीके सही थे, मतलब जो उन्होंने किया था? देखो, जैसे युद्ध का आपने एक उदाहरण तो ले लिया युधिष्ठिर, तो वो एक हम कह सकते हैं वो डार्क साइड है, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोले थे, और उसके बाद कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला अपने पूरे जीवन काल में, तो वो एक इनका नेगेटिव था, और उसका उनको प्रायश्चित भी करके भी उसका फल भी मिला दोनों। और दूसरा एक हम भीम ने गदा युद्ध में दुर्योधन की जांग पे जो गदा लगाई थी, वो भी गलत फहमी ऐसी है कि कृष्ण भगवान ने बोला था भीम को वो करने के लिए, लेकिन वो भी बिल्कुल गलत है। महाभारत में स्पष्ट है कि अर्जुन अपनी जांग को दिखाता है कि भीम को युद्ध के दौरान के उधर मार के दुर्योधन का अंत करना है। तो इसके दो कारण है। सबसे बड़ा कारण कि जब द्रौपदी जी का वस्त्र हरण हो रहा होता है, तब दुर्योधन ने बोला था द्रौपदी जी को कि मेरी जांग पे आके बैठो, तब भीम ने वचन लिया था, ये अब हम सब जानते हैं कि तेरी मृत्यु में करूंगा जांग तोड़ के, तो वो वचन पूर्ति होना जरूरी था। दूसरा, जब पांडव वनवास में थे, तब मैत्रेय ऋषि नाम के एक ऋषि हस्तिनापुर जाते हैं, और वो धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप पांडवों को अपना राज वापस दे दीजिए और झगड़ा छोड़ दीजिए। तो तब दुर्योधन भरी सभा में अपमान करता है मैत्रेय ऋषि का, और तब अपनी जांग पे हाथ मार के हंसने लगता है। तो मैत्रेय ऋषि तब क्रोध में आके बोलते हैं कि तेरी मृत्यु भी जांग टूटने से होगी, और ऋषि का श्राप हम सबको पता है कि उन्होंने एक बार कोई तपस्वी ऋषि ने बोल दिया तो वैसे ही होता है। तो बाद में धृतराष्ट्र बहुत माफ़ी मांगता है, तो मैत्रेय ऋषि कहते हैं ठीक है, मैं अपने वचन शब्द वापस तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन अगर दुर्योधन ने सुलह कर ली पांडवों के साथ तो वो उसकी मृत्यु वैसे नहीं होगी, लेकिन हम सबको पता है दुर्योधन ने कभी वो कैसे प्रयास किया ही नहीं। तो ये दो हम कह सकते हैं डार्क साइड थे अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर के। अगर मैं आपसे पूछूं कि हु इज योर फेवरेट कैरेक्टर इन महाभारत, पूरी महाभारत के युद्ध में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा? ये तो मतलब ऑब्वियसली कृष्ण भगवान, क्योंकि जो दुर्योधन के साइड जो योद्धा थे, तो अगर साधारण स्थिति होती तो दुर्योधन अगर देखता अपने साइड में कौन कौन खड़ा है, भीम जिसने परशुराम भगवान के साथ 23 दिन युद्ध किया था और परशुराम भगवान भीष्म को हरा नहीं पाए थे, तो वैसे भीष्म महारथी दुर्योधन के साइड है। द्रोणाचार्य जिनको इंद्रदेव भी नहीं हरा सकते थे, वैसा उनका उनको वैसी अस्त्र का ज्ञान था। कृपाचार्य और अश्वत्थामा के पास भी बहुत सारे अस्त्र थे, और कर्ण जैसे हमको पता है उनके पास शक्ति अस्त्र था, और दूसरे तीन योद्धा भी बहुत कम चर्चा में आते हैं लेकिन उनके पास भी अच्छे शस्त्र थे। जैसे भगदत्त नाम के एक राजा थे प्राग ज्योतिष के, तो भगदत्त के पास था वैष्णव अस्त्र, तो वैष्णव अस्त्र का कोई तोड़ नहीं है, तो उसका बाद में कृष्ण भगवान युद्ध के दौरान सारथी है तो गाइड करते हैं अर्जुन जी को, लेकिन वैष्णव अस्त्र था भगदत्त के पास। हम युद्ध के पहले का प्लानिंग का बात कर रहे हैं।
फिर एक कलिंग के राजा थे श्रुतयुद्ध, उसके पास वरुण अस्त्र था जो इनविजिबल था, जो गदा होती है मेस, वो लेकिन दिखता नहीं था। तो ऐसा वो था कि वो किस मतलब वो चला दिया तो अर्जुन का अंत निश्चित था, लेकिन उसमें भी कृष्ण भगवान सारथी थे तो बचा लेते हैं, अपने कंधे पे लगता है वो। शायद कलिंग के राजा ने जानबूझ के मारा था कि लग जाता है वो, उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन वरुण जी का ऐसा था कि किसी निहत्ते पे वो वरुण अस्त्र नहीं चलाना चाहिए, अगर वो चला दिया तो वापस तुम पर आएगा, इसलिए वो कलिंग के राजा का अंत होता है। और तीसरा जैसे मैंने बताया अश्वत्थामा, उसके पास नारायण अस्त्र था, तो नारायण अस्त्र का भी कोई तोड़ नहीं था। तो युद्ध भूमि पे कृष्ण भगवान बताते हैं कि नारायण अस्त्र का एक ही अस्त्र का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन दूसरा एक ही उसका उपाय है कि सब जितने भी सैनिक है सब अपने जो भी वेपन्स है वो सब जमीन पे रख दे और नारायण अस्त्र को नमन कीजिए तो वो अस्त्र वापस चले जाएगा, तो इसके लिए नारायण अस्त्र से भी बच जाते हैं। और भगदत्त का वैष्णव अस्त्र ऐसा था कि वो शायद 12वें दिन वो चलाया था भगदत्त ने, तो वो उनकी छाती पे गिरा था कृष्ण भगवान के, और मतलब भगवान है तो कुछ होना ही नहीं था, तो बाद में अर्जुन ने आसानी से भगदत्त को मार दिया, जो अगर उसके पास वैष्णव अस्त्र होता और अर्जुन पे चला लेता तो अर्जुन का अंत तय था। तो इसीलिए ऑब्वियसली पूरे ब्रह्मांड के जो भगवान है वो कृष्ण भगवान, वो ही सेंट्रल कैरेक्टर है। और जब भीष्म बाण पे लेटे थे युद्ध के बाद, तो शांति पर्व में काफ़ी चर्चा होती है स्पिरिचुअल रिलीजियस, तो उसमें भीष्म बोलते भी है कि पूरे ब्रह्मांड के जो भगवान है वो कृष्ण भगवान है और उनमें मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को देखता हूँ, तो इसलिए मेरे हिसाब से मेरा सेंट्रल कैरेक्टर कृष्ण भगवान है। तो रिसेंटली एक मूवी आई है कल्कि, और उस मूवी में आई थिंक देयर इज अ रेफरेंस ऑफ कली, तो क्या महाभारत के युद्ध में कली का रेफरेंस था किसी कहानी में कहीं भी? हाँ बिल्कुल था, महाभारत की 18 किताबें हैं, उसमें पहली किताब जो है वो आदि पर्व है, उसमें उल्लेख आता है कि जो भी पृथ्वी पे राजा थे वो सब असुर के री इनकारनेशन थे, पुनर्जन्म थे। तो उसमें कली नाम का जो एक असुर था जिसके नाम से हम कलयुग आज जानते हैं, तो कली नाम के असुर का पुनर्जन्म था पृथ्वी पे दुर्योधन, इसलिए हम देखेंगे कि दुर्योधन की जो वृत्ति थी, जो स्वभाव था वो किस प्रकार का था, तो कली का बिल्कुल उल्लेख आता है। और भी कई असुर का पुनर्जन्म आता है, तो अगर शॉर्ट में अगर आप बोले तो मैं बोल देता हूँ कौन कौन थे। तो कालनेमी नाम का एक दैत्य था, उसका पुनर्जन्म हुआ है कंस, मथुरा के राजा कृष्ण भगवान के मामा। फिर दूसरा एक दैत्य था हंस, जिसका पुनर्जन्म हुआ एस धृतराष्ट्र, दुर्योधन के पिताजी और हस्तिनापुर के राजा। फिर एक दानव था विप्राचिट्टी, उसका पुनर्जन्म हुआ एस जरासन। ऐसे मतलब दर्जनों है लेकिन मैं कुछ ही बता रहा हूँ जो प्रमुख मुझे याद आ रहे हैं वो। फिर इंटरेस्टिंग ये है कि एक राक्षस का पुनर्जन्म हुआ एज एकलव्य, जो हम निषाद राजा के नाम से जानते हैं। और एकलव्य का एक हरिवंश पुराण में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो यादव कुल में उसका जन्म हुआ था, देवश्रव नाम के राजा के घर, और देवश्रव राजा ने अपने परम मित्र निषाद के राजा को एकलव्य गोद में दिया था, तो हिरण्यधनुष था शायद वो निषाद के राजा का नाम। तो इसलिए एकलव्य वॉज एक्चुअली क्षत्रिय फ्रॉम यादव कुल, तो उसके साथ कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ था, लेकिन वो क्रोधित स्वभाव का था बिकॉज वो पुनर्जन्म था राक्षस का। और एक वशकल नाम का असुर था, वो भगदत्त नाम के प्रागज्योतिष का राजा बना। तो ऐसे कई कली जैसे कई असुर का री इनकारनेशन हुआ था पृथ्वी पे, इसलिए भूमि पे बोझ बढ़ गया था, तो भूमि देवी देवों के पास गई और देव सब मिलके ब्रह्मा जी के पास गए कि आप कुछ उपाय बताइए। फिर ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे और उन्होंने कुछ समय के बाद कहा कि कृष्ण भगवान खुद जन्म लेने वाले हैं पृथ्वी पे बोझ हल्का करने के लिए, और बाकी सब देवों को भी मदद करने के लिए पृथ्वी पे जाना है। इसलिए जो पांडव के साथ जो थे युद्ध में वो कई देवों के री इनकारनेशन थे। ओके, तो जस्ट टू नो कि मतलब नॉर्मली हम जैसे लोग हैं, जैसे हम ग्रंथ वगैरह नहीं पढ़ते इतने, तो हम ज्यादातर इंफॉर्मेशन के लिए सोशल मीडिया पे रिलाय करते हैं, तो सोशल मीडिया पे काफी ऐसी चीजें होती है जो मतलब अनरिलायबल होती है और अनऑथेंटिक होती है, तो वो डिफरेंशिएट कैसे करें हम, पता कैसे करें मतलब? तो जो भी सोशल मीडिया पे अगर कुछ लिख रहा है या ब्लॉग लिख रहा है या इधर भी कुछ फॉरवर्ड हो रहा है, तो उसका सोर्स पूछना चाहिए कि यह कौन से ग्रंथ से आपने लिया है। अभी समझो मैंने कहा कि स्कंद पुराण से लिया है,
तो आप मुझे आगे भी पूछ सकते हैं, स्कंद पुराण में कई खंड है तो उसमें कौन से खंड में है? तो मैंने रामेश्वरम का उल्लेख किया था, वो रामेश्वरम खंड से है। वैसे अयोध्या खंड है, काशी खंड है, वैसे अलग अलग भाग है। तो अगर आपको कोई व्यक्ति कोई ज्ञान दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, तो उसको आप सोर्स पूछ लेंगे तो आपका प्रश्न सॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो फिर किसी के मन का कोई काल्पनिक घटना नहीं है। ओके, तो देयर इज अ स्टोरी ऑफ खाटू श्याम, क्या ये सच में मेंशन है महाभारत में? मतलब अगर है तो क्या स्टोरी क्या थी वो? ये कहानी महाभारत में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन स्कंद पुराण में इसका बहुत ही खूबसूरत उल्लेख है। तो इसका उल्लेख ऐसा है कि स्कंद पुराण में तो है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में बैकग्राउंड दे देता हूँ। भागवत पुराण में और विष्णु पुराण में उल्लेख आता है कि कृष्ण भगवान नरकासुर को मारने के लिए सत्यभामा के साथ गरुड़ पे बैठ के गए, और उन्होंने नरकासुर का अंत किया। और नरकासुर का अंत करने के पहले उसका जो एक सेनापति था, एक दैत्य था मूरा नाम का, उसका भी अंत किया। तो मूरा की एक बहन थी, अभी हम आ जाते हैं वापस स्कंद पुराण पे। तो मूरा की एक बहन थी जिसका नाम था काम कटन कटा। तो बहुत खूबसूरत थी, और उसको काली माँ का वरदान था कि वो युद्ध में हारेगी नहीं। तो उसका फिर युद्ध हुआ कृष्ण भगवान के साथ, लेकिन कृष्ण भगवान तो भगवान है, तो दोनों का युद्ध कई दिनों तक चला। तो काली माँ प्रकट हुई और बोला कि कृष्ण भगवान को, उन्होंने बोला कि ये मेरी शिष्य है। तो फिर युद्ध विराम हुआ, और बाद में कुछ समय के बाद जब हम वापस वनवास की तरफ चले जाते हैं, महाभारत को उसमें लिंक कर देते हैं, तो जब पांडव वनवास में थे, तब वनवास के समय वो स्कंद पुराण की कहानी है, वो एक मही नाम का एक मही सागर संगम है गुजरात में, जहाँ मही नदी सागर में मिलती है, शायद गल्फ ऑफ खंबाट। वहाँ पे भीम एक मंदिर के बाहर एक कुंड में अपने पैर धोने लगता है। तो वहाँ पे एक व्यक्ति आके उसको बोलता है, ऐसा मत कीजिए, ये कुंड है। तो थका हुआ होते हैं भीम, तो बोलते हैं कि मुझसे बहस मत करो, और दोनों में युद्ध हो जाता है। तो युद्ध में आश्चर्य की बात यह है कि भीम हार जाता है, और भीम हार जाते हैं तो ऊपर से आकाशवाणी होती है, और वो आकाशवाणी ऐसे होती है कि वो बोलते हैं कि, मतलब वो जिससे युद्ध कर रहे हैं वो होते हैं बर्बरिक। तो बोलते हैं, बर्बरिक ये आपके दादा है, मतलब आपके पिताजी के पिताजी है, आपने इनको, इनके साथ युद्ध किया और उनको हरा दिया। तो बर्बरिक अपनी जान देने समुन्द्र में छलांग लगा देते। तो तब देवी माँ आके बोलती है कि आप छलांग मत लगाइए, आपकी आपकी जो डेस्टिनी है, आपका जो कर्मफल है, वो कुछ और दिशा में है। तो फिर बाद में कहानी ये है कि जो भीम के बेटे हैं हिडम्बा के साथ, जो उनके बेटे थे घटोत्कच, तो घटोत्कच की का बेटा है बर्बरिक। और अगर हम उसको जोड़ लेते हैं काम कटन कटा से, तो घटोत्कच और भीम जाते थे, एक बार जाते हैं द्वारका कृष्ण भगवान को मिलने के लिए कि ये अभी बड़ा हो गया, इसकी शादी के लिए आप कोई लड़की सुझा दीजिए। तब कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जो मूरा दैत्य को मैंने मारा था, उसकी जो बहन है आम कटन कटा, बहुत ही खूबसूरत है, तो दोनों का विवाह होना चाहिए। तो इसलिए घटोत्कच का विवाह काम कटन कटा से होता है, और उनका जो पुत्र होता है वो बर्बरिक होता है। तो बर्बरिक नाम इसलिए रखते हैं क्योंकि उसका नाम बर्बर जैसे होता है, जो नॉर्थ अफ्रीकन में लोग कैसे बाल उनके घुंघराले थोड़े होते हैं उस किस्म का, इसलिए उसका नाम बर्बरिक पड़ता है। और बर्बरिक जहाँ पे महीसागर संगम पे था, तो उसके लिए देवी माँ प्रकट इसलिए हुई क्योंकि वो देवी के बहुत बड़े भक्त थे बर्बरिक, और उन्होंने एक ब्राह्मण को यज्ञ करने में बहुत मदद की थी। तो इसके लिए वो ब्राह्मण ने यज्ञ से जो राख थी, वो राख का ऐसा कहानी था कि अगर वो किसी के भी हाथ में लग जाए तो वो विजय हो जाएगा युद्ध में, इसके लिए वो बर्बरिक को दे देते हैं यज्ञ के बाद। तो बर्बरिक कहते हैं, मैंने एकदम मतलब कोई ऐसा कोई भावना के साथ आपकी मदद नहीं की है, तो आप रहने दीजिए ये राख। तो बोलते हैं, नहीं, अगर ये कौरव के हाथ में लग जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए आप रखो। तो इसलिए बर्बरिक के हाथ में वो राख रहती है, जिससे वो युद्ध में किसी को भी हरा सकता है। तो अगर हम अभी, एक स्कंद पुराण की कहानी है, तो अभी हम महाभारत से वापस अगर जोड़े, तो वनवास के बाद जब कृष्ण भगवान ने 5 गांव मांगे, दुर्योधन ने नहीं दिया, और युद्ध की तैयारी हो गई, कुरुक्षेत्र में सब जमा हो गए, तो स्कंद पुराण में अभी उल्लेख आता है कि सब जो प्रमुख लोग थे पांडव के, वो बैठे थे बैठक में के स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, सब 5 पांडव, कृष्ण भगवान और घटोत्कच और बर्बरिक भी थे। तो बर्बरिक तब बोलते हैं कि मैं युद्ध को मतलब एक मुहूर्त में ही खत्म कर दूंगा, या मतलब कुछ क्षणों में, कुछ मिनटों में। और तब कृष्ण भगवान अपने सुदर्शन चक्र से बर्बरिक का गला काट देते हैं।
तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे ये देवी माँ के इतने बड़े भक्त है बर्बरिक, और उसका सर काट दिया, और ये तो युद्ध जीतने की बात कर रहा था, तो ऐसे कैसे हो गया? तो घटोत्कच भी बेहोश हो जाता है। तो तब देवी प्रकट होती है और वो बोलती है कि ये बर्बरिक जो पिछले जन्म में एक यक्ष था, और जब देव असुर की लड़ाई हो रही होती है तब उसने बढ़ांग मारी थी वो बैठक में कि मैं असुरों को ऐसे ही हरा दूंगा, और असुर इतने शक्तिशाली थे कि देवों को भी हराना मुश्किल था, तो ये कैसे हराता? इसके लिए ब्रह्मा जी ने उसको श्राप दिया था कि तेरा अंत होगा, और तू मतलब युद्ध के पहले वैसे बढ़ांग मारेगा तब तेरा अंत होगा। और लेकिन वो बहुत माफी मांगता है, तो बोलता है ठीक है, तो तेरा जो अंत होगा वो भगवान के हाथ होगा, और लेकिन तू तेरा जो सर कटेगा वो अमर होगा, तो माता जी का भी आशीर्वाद होता है। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं वो ब्रह्मा जी का जो श्राप था, और इसके लिए वो पूरा करने के लिए मैंने इसका सर काटा था, क्योंकि वो बढ़ांग लगा रहा था ऐसे, तो इसके लिए वो जो सर था वो, ये स्कंद पुराण में, लोकल फोकलोर में कुछ और कहानी है कि अगर वो पहले पांडवों का साथ देता, क्योंकि पांडवों के पास थोड़ा अक्षौहिणी कम था, मतलब रेजिमेंट्स 7 अक्षौहिणी थी और कौरव के पास 11 अक्षौहिणी थी, रेजिमेंट्स थे, तो इसलिए उसको ऐसा लोकल स्थानिक मान्यता फोकलोर के हिसाब से था, ऐसा था कि वो जो बेबस है उसका सहारा कहते हैं उनका नाम खाटू श्याम भी है, तो इसके लिए उनका सहारा कहते हैं। लेकिन अगर पांडव का पलरा भारी होने लगता जैसे जैसे युद्ध आगे होता और कौरव हारने लगते, तो अगर वो कौरव के साथ चले जाते तो युद्ध में पांडव की हार हो जाती, इसलिए कृष्ण भगवान ने मारा। लेकिन कृष्ण भगवान ने मतलब उनको बर्बरिक या खाटू श्याम को आशीर्वाद दिया कि आपको लोग पूजेंगे और आपकी पूजा कलयुग में बहुत प्रसिद्ध होगी और आपको पूरे विश्व भर में आपकी पूजा की जाएगी। तो ये खाटू श्याम की कहानी स्कंद पुराण में, और थोड़ा मैंने स्थानिक उल्लेख भी किया, और उन्होंने जो युद्ध भूमि के पास से देखा था और फिर बाद में वो सिकर शायद नाम है राजस्थान में, वहां पे उनका एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये खाटू श्याम की कहानी है। इससे पहले भी मैंने एक महाभारत के ऊपर पॉडकास्ट किया था, विच इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन पर्सपेक्टिव, मतलब उसमें ज्यादा स्टोरीज की हमने ज्यादा बात नहीं की थी, मतलब की थी बट कम की थी, ज्यादातर हमने हाइपोथेटिकल सिचुएशन के हिसाब से किया था। तो एक सवाल मैंने तब पूछा था और मैं आपसे भी वही सवाल पूछूंगा कि अगर महाभारत के युद्ध में पांडव अगर हार जाते और कौरव जीत जाते तो आज की दुनिया कैसे होती? वैसे होता ही नहीं। महाभारत में बहुत स्पष्ट लिखा है कि जहां कृष्ण है वहां धर्म है, और जहां धर्म है वहां विजय है, तो कृष्ण भगवान जहां खड़े है वहां विजय तो होना ही था, निश्चित था, तो इसलिए पांडवों का हारना असंभव था। जैसे मैंने पहले बताया कि दुर्योधन के पास ऐसे बड़े बड़े योद्धा थे कि उसको कोई डरने का मतलब संभावना ही नहीं था, और कृष्ण भगवान खुद लड़ नहीं रहे थे, तो मतलब ऐसे अगर सच में हम अगर एनालाइज करें विदाउट सीइंग कृष्ण भगवान इन द पिक्चर, तो पांडव और कौरव में सच में कौरव का पलरा भारी था, लेकिन जहां धर्म के साथ भगवान खड़े है वहां पे जीत निश्चित है। तो ये मतलब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन होना पॉसिबिलिटी नहीं है इसका, एक संभावना जीरो है। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा भगवत गीता की तरफ जाना चाहूंगा कि कृष्ण जी ने ये भगवत गीता अर्जुन को सुनाई थी, है ना? तो ये भी एक सवाल आता है कि अर्जुन के अलावा और किसी को भगवत गीता क्यों नहीं सुनाएगी, या उसके पीछे मतलब क्या कहानी है, मुझे जाननी। तो इसके अगेन इंटरप्रिटेशन कई है, लेकिन मैं पहले फैक्ट की बात करूंगा कि अर्जुन को बिल्कुल सुनाई थी कृष्ण भगवान ने भगवत गीता, लेकिन उन्होंने युद्ध के बाद युधिष्ठिर जब निराश हो गए थे कि इतने मेरे बंधुओं का खून हो गया, मतलब उनका अंत हो गया, तब कृष्ण भगवान ने उनको युधिष्ठिर जी को काम गीता भी का प्रवचन दिया था, तो वहां पे भी एक गीता का प्रवचन दिया था, और ऐसे कई अन्य गीता है महाभारत में। लेकिन कृष्ण भगवान ने जब जब भक्त संकट में है तब तब वो प्रकट होते हैं, मतलब ये सही बात और भगवानों के लिए भी है, मतलब अगर आप शिव जी के भक्त हो तो शिव जी का मतलब वचन है कि मैं मेरे भक्तों के लिए आऊंगा ही आऊंगा। देवी माँ का भी यही वचन है, जैसे ये बर्बरिक का था, वो परम भक्त था देवी माँ का, तो जब वो संकट में था बर्बरिक तब देवी माँ प्रकट हुई, तो वैसे जब भी होता है तब भगवान अपने भक्तों के लिए प्रकट होते ही होते हैं। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता इसलिए सिखाई क्योंकि धर्म का विजय होना था, और 11वें अध्याय में वो बोलते हैं जब अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं कि मतलब ये सामने जो खड़े हैं जो असुर जो अभी धरती पे आए हैं उनका अंत निश्चित है, मतलब अंत तो होने ही वाला है, लेकिन
तू अपना खाली कर्म कर और अपनी जो प्रसिद्धि है वो ले ले। मतलब अंत तो निश्चित था, सिर्फ अर्जुन एक निमित्त बना था, तो इसके लिए अर्जुन को वो ज्ञान दिया था क्योंकि वो और आज की पीढ़ी तक वो ज्ञान चलता रहा है। इसीलिए तो इसी से रिलेटेड एक सवाल है, जब कृष्ण जी ने अर्जुन को अपना असली रूप दिखाया था तो वो दिखने में कैसा था? मतलब हमने काफी सारे पिक्चर्स देखे ऑन इंटरनेट कि कृष्ण जी के काफी सारे सिर हैं, तो मतलब वो उसका मतलब मेंशन किस तरीके से किया गया महाभारत में? तो ये भगवत गीता में ही मेंशन है, इसका उल्लेख 11वें अध्याय में आता है कि आपने जैसे बताया कि कई सारे सिर थे, कई सारे हाथ थे, कई सारे स्वरूप थे, लेकिन उसके पहले एक मतलब एक प्री रिक्वायरमेंट ये था कि उन्होंने दिव्य चक्षु दिए थे अर्जुन को, क्योंकि मैं और आप शायद नहीं देख सकते दिव्य स्वरूप, अपने में वो क्षमता नहीं है, इसलिए वो दिव्य चक्षु जब दिए अर्जुन को तब वो देख पाए दिव्य विराट स्वरूप। और वैसे ही जब वो पांच गांव मांगने गए थे तो हस्तिनापुर की सभा में भी उन्होंने दिव्य अपना विराट स्वरूप दिखाया था, तो तभी भी उन्होंने दिव्य चक्षु दिव्य आईसाइट कुछ लोगों को दी थी, मतलब सभी को नहीं दी थी, भीष्म और विदुर को दी थी और संजय और बाकी जो ऋषियों थे उनको दी थी, द्रोणाचार्य को शायद दिया था। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो कास्ट हम करते हैं तो दासी पुत्र संजय, सूत पुत्र संजय और दासी पुत्र विदुर को भी उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया था। तो आपका जो प्रश्न है वो विराट स्वरूप का, दोनों का उल्लेख महाभारत और भगवद्गीता में लगभग वही है कि उनके कई सारे मुख थे, कई सारे हाथ थे, बहुत ही मतलब बहुत ही रोशनी फैली हुई थी, पूरे आकाश में रोशनी फैल गई थी और उनके अंदर कई सारे भगवान दिख रहे थे, मतलब शिव जी भी दिख रहे थे, विष्णु जी भी दिख रहे, माता जी भी दिख रहे, ब्रह्मा जी भी दिख रहे, देव दिख रहे, देव यानी जो डेमीगॉड्स है जो तीनों लोगों का संचालन करते हैं, तो वो सब दिख रहे। और उनके उन्होंने जब एक मुख खोला तो सारे जो भी असुर क्षत्रिय है वो पूरे मुख में अग्नि में समा जाते हैं वैसा, और जितना भी ब्रह्मांड में जितने भी प्लैनेट्स वो दिखा सकते थे, स्टार्स दिखा सकते थे, गैलेक्सीज दिखा सकते थे, वो सब उन्होंने दिखाया। जैसे उन्होंने गोकुल में यशोदा माता को ब्रह्मांड घाट पे दिखाया था मुख खोल के, वैसे तो वो टाइप का डिस्क्रिप्शन है। और एक जो शायद थोड़ा कम लोग जानते हैं कि युद्ध के बाद भी उन्होंने और एक बार भी अपना विराट स्वरूप दिखाया था, कि युद्ध के बाद वो जब द्वारका जा रहे होते हैं हस्तिनापुर से, तो रास्ते में उनको एक उत्तंक नाम के ऋषि मिल जाते हैं, तो उत्तंक ऋषि से जब बात कर रहे होते हैं उनको पता चलता है कि इतने सारे योद्धा मर गए, तो वो श्राप देने तैयार हो जाते हैं। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि आपने तपस्या की है तो आप अपनी तपस्या का फल ऐसे वेस्ट मत कीजिए, सुन लीजिए। फिर वो बताता है कि मैंने युद्ध रोकने का प्रयास किया, वहां तक गया, पांच गांव का मांग रखा, फिर दुर्योधन ने ना बोला, और फिर बहुत प्रयास करने के बाद भी युद्ध हुआ, तब इतने लोग मरे। तब वो उत्तंक ऋषि को समझ में आता है पूरा चित्र क्या था, और तब वो कृष्ण भगवान उत्तंक ऋषि को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। तो ये सब में विराट स्वरूप का उल्लेख वही है कि पूरी मतलब रोशनी सी छा जाती है, और जैसे मैंने आगे बताया वैसे। अगर मैं आज के टाइम की अगर मैं बात करूं, लेट सपोज कोई भी व्यक्ति अगर एक से ज्यादा मैरिज करता है, दो या तीन, तो उसको एक टर्म दे दी जाती है पॉलीगैमी। तो उस टाइम पे द्रौपदी के आई थिंक पांच हस्बैंड थे, अगर सिंपल भाषा में कहें तो पांच हस्बैंड थे, तो उस टाइम के हिसाब से क्या वो सही था गलत था? और आज भी काफी सारे लोग सवाल उठाते हैं इस चीज पे, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें थोड़ा जो रियल फैक्ट्स है आप हमें वो बताएं। तो मैंने जो पढ़ा है वो मैं बताता हूँ कि एक स्त्री का पांच पति होना मतलब पहले नहीं हुआ था और शायद उसके बाद भी नहीं हुआ है। तो उसमें ऐसा था कि द्रुपद जो द्रौपदी के पिता थे वो भी थोड़े नाराज हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो मतलब स्वयंवर में सिर्फ एक जन को ही अपने बेटी का हाथ दिया था। तो तब व्यास मुनि आके उनको समझाते हैं कि पिछले जन्म में ये जो कन्या है वो एक ऋषि की बेटी थी और उन्होंने शिवजी की बहुत तपस्या की थी एक पति को प्राप्त करने के लिए। तो जब शिवजी आते हैं तब उन्होंने बहुत सारी मतलब कला जो बोलते हैं क्वालिटीज का उल्लेख किया था कि अपने पति में क्या क्या होना चाहिए, और उन्होंने वो उल्लेख पांच बार किया था, इसलिए शिवजी ने उनको वरदान दिया था, ठीक है आपको पांच पति मिलेंगे, क्योंकि एक पति में उतना सब क्वालिटीज होना नामुमकिन था, तो इसके लिए वो शिवजी के आशीर्वाद से ये हुआ था। तो ये इसकी बैकग्राउंड स्टोरी है जो महाभारत में इसका उल्लेख आता है। ओके, तो अगर मैं बात करूं तो एक करेक्टर था है महाभारत में विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, विदुर, और उसको हम कहते हैं कि धर्म का रिप्रेजेंटेटिव हम कह सकते हैं, तो बट
युद्ध में उन्होंने हिस्सा क्यों नहीं लिया? Why didn't he participate in the war? क्योंकि वो हमेशा कौरव और पांडव दोनों का शुभ चिंतक थे, वो दोनों का अच्छा चाहते थे, और उन्होंने बहुत प्रयास किया कि द्रौपदी का वस्त्र हरण भी ना हो, और बहुत प्रयास किया कि वनवास के बाद इंद्रप्रस्थ वापस मिल जाए पांडवों को, और जब नहीं हुआ, जब युद्ध होना ही था, तब जब धृतराष्ट्र, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण सब बैठे थे, द्रोणाचार्य, तो तब विदुर जी भी बैठे थे, और तभी भी वो मतलब बोलते हैं कि कृष्ण भगवान चले गए होते हैं पांच गांव का ऑफर देके, तो तभी भी वो बोलते हैं कि अभी भी कुछ लेट नहीं हुआ है, आप अभी भी युद्ध रोक सकते हो। तब दुर्योधन उनका बहुत ही अपमान करता है, और तब वो विदुर अपने जो शस्त्र होते हैं, वो जो जहाँ पे वो बैठे होते हैं कमरे में, वहां पे उसके कमरे के द्वार पे अपने शस्त्र रख के चले जाते हैं। उसका मतलब उसका इंटरप्रिटेशन ये हम कर सकते हैं कि मैं न्यूट्रल हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं शस्त्र लेके जा रहा हूँ तो पांडवों के साथ लड़ूंगा, मेरे शस्त्र में यही छोड़ के जा रहा हूँ। और आपने बताया धर्म के प्रतीक थे, तो बिल्कुल थे, तो उसका कहानी हम सब जानते हैं कि वो यमराज के रीइंकार्नेशन थे पृथ्वी पे, लेकिन ऐसा था कि बहुत पहले एक मांडव्य नाम के एक ऋषि थे, तो उनपे गलत इल्जाम लगता है चोरी का, क्योंकि एक चोर वहां से उनके आश्रम से गुजरता है और वो चोरी की वस्तु वहां छोड़ देता है, तो राजा के जो सैनिक होते हैं वो मांडव्य ऋषि को पकड़ के राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं, और राजा उनको मतलब मृत्युदंड देता है। तो मांडव्य ऋषि को मृत्युदंड ऐसा था कि उनके शरीर से एक भाला चले जाए और उससे उसकी उनका अंत हो, लेकिन वो इतने तपस्वी योगी थे कि भाला अंदर पूरा चले जाता है लेकिन वो मरते नहीं है, तो राजा उनके पैरों पर गिर जाता है और बोलता है मुझे माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था आप इतने तपस्वी हो, मेरे से गलती हो गई। तो मांडव्य ऋषि माफ कर देते और दोनों साइड से वो भाला कट कर देते और थोड़ा दोनों मतलब शरीर में तो रहता ही है भाले का पार्ट, तो उसके लिए उनका नाम पड़ा मांडव्य ऋषि था, तो अनि मांडव्य, अनि यानी पॉइंट, तो अनि मांडव्य ऋषि इसके लिए उनका नाम पड़ा। और बाद में जब उनका देहांत होता है, जब वो यमलोक जाते हैं, तो यमराज के सामने जब जाते हैं वो पूछते हैं कि मुझे इतना कष्ट क्यों भोगतना पड़ा, क्योंकि किसी के अंदर भी ऐसा कोई मतलब एक छोटी सी सोई भी हमको लगती है तो हमको कितना दुख होता है, तो ये तो भाला का एक बड़ा भाग था। तो यमराज बोलते हैं कि तुमने बचपन में एक इंसेक्ट को बहुत परेशान किया था, मतलब एक नीडल मार्क है, तो बोलते हैं कि मुझे तो मतलब ऐसा याद नहीं आ रहा है, तो बोलते हैं तुम बहुत छोटे थे, बचपन में किया था। तो बोलते हैं मांडव्य ऋषि बाद में श्राप देते हैं यमराज को कि बहुत ही अनफेयर है, ठीक नहीं है, और मैं आज से मतलब घोषणा करता हूँ कि 14 साल की उम्र के नीचे कोई भी अगर कर्म हुआ है तो उसका कर्मफल नहीं होना चाहिए, उसका ऐसा अपराध नहीं गिनना चाहिए। और यमराज को श्राप देते हैं कि तुम पृथ्वी पे जन्म लो और दासी पुत्र बन के जन्म लो, तो इसीलिए वो विदुर बन के पृथ्वी पे आए। और ये अगेन डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, भीष्म पितामह ने जैसे धृतराष्ट्र और पांडू का विवाह किया राजकन्याओं से, वैसे विदुर का भी विवाह हुआ एक राजा देवक नाम की कन्या से, देवक नाम की पुत्री से। ओके, तो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि क्या दुर्योधन में कोई अच्छी बात थी, मतलब इज देयर एनी गुड साइड इन दुर्योधन, मतलब अगर आपको कुछ पॉजिटिव साइड बतानी हो तो। नहीं, और एक नेगेटिव याद आया पॉजिटिव तो कुछ नहीं था, वो जब राजसूय यज्ञ हुआ, जब युधिष्ठिर पूरे विश्व के राजा बने, तब वो जस्ट हमने सबने देखा है सीरियलों में और पढ़ा है कि वो गिर जाते हैं और उनको दीवार नहीं दिखती है, तो वैसे वो जब पहुंचते हैं हस्तिनापुर तो वो बोलते हैं धृतराष्ट्र को कि मुझे भी इतना धन संपत्ति चाहिए, तो धृतराष्ट्र परेशान हो जाते हैं कि अरे तुम्हारे पास ऑलरेडी इतना धन है और क्यों चाहिए, तो बोलते हैं कि नहीं मतलब मटीरियलिज्म जो बोलते हैं ना रैट रेस, वो टाइप का वो बोलते हैं कि मुझे और धन लेने से ही संतुष्टि मिलेगी, वही मेरा संतुष्टि है। तो इसके लिए वो एक और एक फैक्टर वहां पे मतलब ध्यान देने लायक है कि वो मतलब इतना धन होने के बाद भी संतुष्ट नहीं था और जेलसी था और गलत सब उसमें गुण थे। हाँ, लेकिन उसने दुर्वासा ऋषि की अच्छी सेवा की थी हस्तिनापुर में, जब वो आए थे अपने 10,000 शिष्यों को लेके, तो दुर्वासा ऋषि खुश हुए थे और उन्होंने वरदान दिया कि बोलो क्या चाहिए। तो अभी दुर्योधन इतने प्रभावी ऋषि से कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन दुर्योधन क्या मांगता है,
बोलते हैं कि तभी पांडव वनवास में थे, तो बोलते ऋषि आप अपने शिष्यों को लेके पांडवों के पास भी जाइए। तो दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों को लेके चले जाते हैं, लेकिन उसके बैकग्राउंड में थिंकिंग ये था दुर्योधन का कि वहां जाएंगे तो पांडव के पास खाना किधर है 10,000 शिष्यों और दुर्वासा ऋषि को खिलाने के लिए, तो क्रोध में आके दुर्वासा ऋषि श्राप दे देंगे और तुम्हें फायदा होगा। तो मतलब लाभ में भी वो अपनी हानि करके ले रहा था। Also, कि उसके पास एक ऑप्शन था आई थिंक कि भगवान कृष्ण जी को चूज करने का मतलब, लेकिन उसने आई थिंक वो सेना चूज की। नहीं, ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों पहुंचे द्वारका, कृष्ण भगवान सो रहे थे, तो अर्जुन ने अपना स्थान उनके पैरों के मार ले लिया, हाथ जोड़ के खड़े रहे अर्जुन जी, और दुर्योधन उनके सिर के वहां बैठा रहा। तो जब आंख खुली तो सबसे पहला कृष्ण भगवान ने अर्जुन को देखा, इसलिए अर्जुन को बोला कि आप पहले मांगो। तो इसके लिए पहला चॉइस तो अर्जुन जी का ही था, इसलिए उन्होंने बोला कि मुझे आप साथ में चाहिए, और नारायण सेना जो एक अक्षौणी थी वो दुर्योधन को मिली, मतलब एक बैटल रेजिमेंट। अगर मैं बात करूं द्रौपदी की, फिर से मैं आता हूं, द्रौपदी के आई थिंक 5 बेटे थे विद ईच ऑफ द पांडवास, और उन मैं जानना चाहता कि उनके साथ क्या हुआ आगे। तो पांचों बेटों ने युद्ध में भाग लिया, महारथी थे, बहुत ही अच्छे योद्धा थे, और वो अंत में 18 दिन के युद्ध के बाद भी वो जीवित रहे, कुछ हुआ नहीं उनको। और जब अश्वत्थामा ने पूरे पांडव के टुकड़ी में आग लगाई रात को जब वो सब सो रहे थे, तो अश्वत्थामा ने दृष्टद्युम्न को मारा, शिखंडी को मारा, और द्रौपदी के पांचों बेटों को भी मार दिया। तो ये इनका अंत हुआ था। लेकिन इनकी जो कहानी है वो ये है कि मार्कंडे पुराण या मत्स्य पुराण में है, अमत्स्य पुराण में है शायद, कि जब विश्वामित्र ऋषि हरिश्चंद्र की परीक्षा ले रहे थे, आप सबने पता सुना ही होगा कि वो चांडाल बन के, मतलब विश्वामित्र जी का जो शब्द दिया था उसकी उसका पालन कर रहे थे, तब मतलब बहुत परीक्षा ली, अपने बेटे को भी खो देते, अपनी बीबी को भी खो देते, लेकिन अंत में मतलब मिल जाते। लेकिन उस दरमियान विश्वदेव ऊपर से विश्वामित्र जी को मतलब नाराज हो जाते हैं, बोलते कि आप इतनी कठोर परीक्षा कैसे ले सकते हो एक व्यक्ति की। तब विश्वामित्र श्राप देते हैं वो विश्वदेव को कि आपको पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ेगा, और वो जो 5 विश्वदेव ने जन्म लिया वो द्रौपदी के बेटे हुए। अब आखिरी सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप हमें ना जितनी आपकी रिसर्च है आप वो शेयर करें विद रिस्पेक्ट टू, तो जितने भी ज्योग्राफिकल प्रूफ या एविडेंस आपको मिले हैं आपकी रिसर्च के दौरान, मैं चाहता कि आप वो इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें। तो मेरे जो किताब में मैंने उल्लेख किया है महाभारत अ वर्ल्ड वॉर, उसमें मैंने 400 से अधिक स्थानों का उल्लेख किया है, जो आज हम वहां पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि ये स्थान पे मतलब उल्लेख हुआ है महाभारत का। तो अधिकतर तो ज्यादा करके भारत देश में ही है, लेकिन जो भारत के बाहर का है उसका ही संक्षेप में उल्लेख करूंगा, क्योंकि किताब का ही नाम वो है महाभारत अ वर्ल्ड वॉर। तो उसमें जो कौरव के साथ जो लड़े थे उसका उल्लेख आता है, तो उसमें बहुत सारे कबीलों का उल्लेख है, भारत के राज्य थे कौरव के साथ और बाहर के कबीले भी थे। तो सबको तो मैं ट्रेस नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जो जिसको ट्रेस कर पाया हूँ उसका मैं उल्लेख करता हूँ कि आज का जो पाकिस्तान है उसमें जयद्रथ जो दुशाला का पति था, मतलब दुर्योधन का जमाई, वो कौरव के साथ था। तो जयद्रथ का राज्य था सिंधु, शिबी और सौवीर। सिंधु तो हम सब जानते हैं सिंध, शिबी यानी आज का बलूचिस्तान जो ईरान में भी आज थोड़ा भाग है बलूचिस्तान का, और सौवीर यानी सिंध और पाकिस्तान पंजाब का बॉर्डर। फिर कैकई जो एक राज्य था उसके 100 राजकुमार थे, उसमें से 95 कौरव के साथ थे और 5 पांडव के साथ थे। तो कैकई एज पर हिस्टोरियन वो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया हुआ आज का पाकिस्तान का। और मध्रदेश के राजा शल्य जो नकुल और सहदेव के मामा थे, जो आज का पंजाब है, वो मतलब कैसे ट्रेस किया कि मध्रदेश का मध्रदेश की राजधानी थी सकलकोट एज पर शास्त्र, और आज भी सियालकोट पाकिस्तान में है, और उल्लेख भी आता है मध्रदेश में 5 नदियां बहती थी, मतलब पंजाब, तो वो भी कौरव के साथ थी। तो अगर आप थोड़ा इस तरफ जाएंगे तो अफगानिस्तान में मतलब गंधार तो हम सबने सुना है, गंधार जो आज का है वो कौरव के साथ थे। और फिर जो अन्य राज्य थे वो बालिक नाम का राज्य था जो शांतनु के बड़े भाई थे,
उन्होंने बालिक का राज्य संभाला था। बालिक यानी बल्क, आज भी है बल्क, अफगानिस्तान में एक प्रोविंस है, और मतलब वहाँ पे एक आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स भी है BMAC करके, बैक्ट्रिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, तो वो बल्क भी कौरव के साथ था। फिर कंबोज भी कौरव के साथ था, कंबोज यानी उसका कैपिटल राजधानी का नाम दिया है कपिश, और आप मानेंगे नहीं आज भी अफगानिस्तान में एक प्रोविंस है जिसका नाम है कामदेश, जिसकी जिसके वहाँ एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसका नाम है कपिश। फिर ये वहाँ का हुआ, और कंधार तो मैंने गिनाया, और फिर एक अम्बस्ट करके है, अम्बस्ट के लिए कई लोग कहाँ कहाँ बताते हैं, लेकिन जो मैंने अलेक्जेंडर के रिलेशन में स्टडी किया है, मेरे हिसाब से ये अम्बस्ट यानी असिकनी नदी का जो भाग था वो अफगानिस्तान में हुआ। फिर अगर हम और पश्चिम की तरफ चलेंगे तो ईरान का उल्लेख आता है महाभारत में, क्योंकि वो बोलते हैं कि पल्लव परात भी कौरव के साथ है। पल्लव यानी नॉर्थ, ये अगेन हिस्टोरियंस बोल रहे, नॉर्थ ईस्ट ईरान, और परात यानी नॉर्थ वेस्ट ईरान हुआ। फिर अभीर का भी उल्लेख आता है, अभीर यानी आज ईरान में अभीर वन करके भी एक आज भी जगह है, और उनका क्षेत्र ऐसा बताया गया है कि पंजाब से लेके अभी था, तो अभीर वन ईरान में है तो वहां तक उनका क्षेत्र हुआ होगा। और एक हारहून करके भी एक कबीले का नाम आता है, जो ईरान का वाइट हुन्स जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, वो उसका भी उल्लेख आता है। और अगर हम और पश्चिम में चले तो प्राग ज्योतिष जो मैंने ट्रेस किया है, एरिडू करके एक आर्कियोलॉजिकल साइट है सुमेर का, यानी आज का इराक का, तो वो दैट वाज प्राग ज्योतिष। मतलब दो प्राग ज्योतिष है, एक पूर्व में भी है एक पश्चिम में भी है। पूर्व में जो वो है वो हम कामाक्षी माता का मंदिर है वो उससे जानते हैं, और पश्चिम में भी है। पश्चिम में इसलिए क्योंकि महाभारत में क्लियरली दिखाया सिंधु नदी के पश्चिम में, और रामायण में भी वैसे ही उल्लेख आता है कि सिंधु के पश्चिम में जो था वो। और बर्बर का भी उल्लेख आता है कि कौरव के साथ है, बर्बर यानी मतलब नॉर्थ अफ्रीकन्स, आप सर्च कर लेंगे तो नॉर्थ अफ्रीका आ जाता है उसमें। और यवन तो खुल के कौरव के साथ है, यवन यानी टर्किक ग्रीक्स, यानी जो ग्रीक के थे लेकिन पहले टर्की में रहते थे, तो उसका उल्लेख आता है। और एक इंटरेस्टिंग उल्लेख आता है अराट, तो अराट मेरे हिसाब से जो कॉर्ड बॉर्डर है, क्योंकि आर्मेनिया अजरबैजान टर्की और ईरान वहां का जो क्षेत्र है वो हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ईरान का था, लेकिन मुझे लगता है कि ये ईरान का ही लेकिन उस तरफ का बॉर्डर का क्षेत्र है, तो ये सब राज्यों का उल्लेख आता है। और पांडव के और पूर्व में भी हमने देखना चाहिए कौरव के साथ थे, विदेह के विदेह भी बहुत सारे थे, विदेह यानी बिहार और नेपाल बॉर्डर, तो उसके कुछ कौरव के साथ थे। किराट भी कुछ कौरव के साथ थे, कुछ पांडव के साथ थे। किराट यानी जो इंडो मंगलॉयड हम बोल सकते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के थे, ईस्टर्न नेपाल और टिबेट। टिबेट बिल्कुल पांडव के साथ था, क्योंकि जब वो वनवास में जाते हैं उसका उल्लेख आता है पांडव का रूट का, तो वो बद्रीनाथ से कैलाश जाते हैं, और कैलाश से किराट देश होते हुए चीन जाते हैं, तो ये कैलाश और चीन के बीच में किराट यानी टिबेट हुआ, और ऐसा उल्लेख आता है कि वहां पे वो उनके मित्र भी थे। तो किराट कुछ कौरव और कुछ पांडव के साथ थे, और पुंद्र देश कौरव के साथ था, यानी आज का बांग्लादेश, और सिन्हल जो आज का श्रीलंका है वो भी कौरव के साथ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है आज, उसका मतलब यही है कि वो उस जमाने में वहां के राजा असुर का पुनर्जन्म पृथ्वी पे हुआ था, और चीन का भी स्पष्ट उल्लेख आता है वो कौरव के साथ लड़े थे। लेकिन चीन का हालत ये था कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उनको एंट्री भी नहीं दिया था अंदर, तो मतलब उनको बाहर खड़ा किया था, उनका मतलब महत्व ही नहीं था, उनको बाहर खड़ा कर दिया था। और पांडव के साथ जो थे वो जैसे मैंने बताया टिबेट किराट थे, फिर हून का उल्लेख आता है। तो अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि चीन कौरव के साथ है और मंगोलिया और टिबेट इंडिया के साथ था, पांडव के साथ था, तो एक मैंने मैप करने का प्रयास किया है। और करुश जो आज का म्यांमार हुआ ब्रह्मदेश, वो पांडव के साथ थे, तो ऐसे डिवाइडेड थे अन्य अन्य क्षेत्र। हाँ, और सेंट्रल एशिया का मैं उल्लेख करना भूल गया, तो वो भी जो भी थे वो राज्य वो कौरव के साथ थे, तो उसमें उल्लेख आता है दरद नाम का एक कबीला था। तो दरद दर्देस्तान करके आज एक ईरान में एक क्षेत्र है, प्रोविंस है, और एक दर्दक करके उज़्बेकिस्तान में भी एक जगह है, और दरदर करके एक तजाकिस्तान में भी एक जगह है। और हिस्टोरियन भी बोलते हैं कि उनका फैलाव पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से लेके थोड़ा पश्चिम तक होगा, तो इसके लिए वो दरद भी कौरव के साथ थे। फिर तुखार जो है वो भी कौरव के साथ है, तुखार यानी ईस्ट तुर्किस्तान, आज का वो जो चाइना ने चीन के उसको ईस्ट तुर्किस्तान को शिनजियांग बोलते हैं, लेकिन तुखार ऑल्सो वर विद कौरव। तो और शक देश जो है वो भी कौरव के साथ था, तो शक इज यानी जो अमू दरिया और सीर दरिया है
सेंट्रल एशिया का, उसके बीच का जो डेल्टा है, तो हिस्टोरियन बोलते हैं लगभग वो भाग शक देश था, वो भी कौरवों के साथ है। तो इतना एक लगभग अंदाजा से ये हम ज्योग्राफी की बात कर सकते हैं। वाओ, मतलब वी कैन इमेजिन कि पूरी दुनिया में मतलब हम रेफरेंसेस ढूंढ सकते हैं महाभारत के। मतलब तो सर की जो बुक है वो आप Amazon पे और बहुत सारे आप ढूंढ सकते हो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, और उन सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और थैंक यू सर फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट, आपसे बात करके हमेशा की तरह मज़ा ही आता है। उम्मीद है सर आपको भी इस पर मज़ा आया होगा। बिल्कुल, धन्यवाद आपने बुलाया मोहित जी, और सभी जिन्होंने सुना उन सबको मेरी शुभकामनाएं।